आज मैं आपको बताऊंगा कि कोलकाता रेप केस में दरिंदे ने 4 घंटे तक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में क्या क्या किया है, आखिर उस रात कैसे हुई थी बर्बरता। वारदात के 10 दिन बाद अब सब कुछ साफ हो चुका है, दरिंदगी की पूरी कहानी अब साफ हो चुकी है। किस तरह महिला के कपड़े फाड़े गए, उन्हें चोट पहुंचाया गया, फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव दिया गया, सबका सब खुलासा अब सीबीआई के सामने हो रहा है। महिला डॉक्टर को चिल्लाने से रोकने के लिए क्या क्या किया गया, दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून क्यों बह रहा था, दरिंदे संजय राय को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के होश उड़ गए हैं। आज सब कुछ आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि आखिर उस अस्पताल में ट्रेनी महिला के साथ कितने देर तक क्या क्या हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे। 40 मिनट तक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसे कमजोर दिल वालों को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 10,000 लाइक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बलात्कार के एक दिन पहले दरिंदा संजय ने महिला ट्रेनिंग डॉक्टर को किसी खूंखार जानवर की तरह क्यों घूर रहा था, वह दारू पीने के बाद जमकर अश्लील फिल्में देखी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गया और फिर जो हुआ उसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई तक हैरान है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर सेमिनार हॉल में दरिंदे ने उस महिला के साथ क्या क्या किया। सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को चुपचाप गहरी नींद में सोते हुए देख दरिंदा संजय उस पर कूद पड़ा, वह गंभीर नशे में था और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाल ही में उसने कई अश्लील फिल्में देखी थीं, जिसके कारण उसका हवस चरम सीमा पार कर रहा था। लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर की आंखें खुली उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि उस वक्त सेमिनार हॉल में कोई दूसरा नहीं था जो उस महिला की रक्षा कर सके। लेकिन महिला ने खुद की रक्षा के लिए और किसी और को पास बुलाने के लिए मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला की तेज आवाज सुनकर संजय और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उन्हें चिल्लाने से रोकने के लिए संजय ने उनका नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया, लेकिन महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी आवाज को तेज किया, लेकिन इसके बाद संजय ने उनके सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे वे चिल्ला ना सके, और फिर दरिंदे ने महिला पर तेज प्रहार करने शुरू कर दिए जिसके कारण पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर गंभीर चोटें पाई गईं। अकेले और एकांत सेमिनार के अंदर उस महिला के ऊपर शराब के नशे में संजय किसी खूंखार जानवर की तरह पेश आ रहा था, वह बार बार उसके ऊपर झपट्टा मार रहा था। महिला खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, वे अंतिम सांस तक अपनी आबरू को बचाने के लिए जंग लड़ रही थी। महिला पर पूरी तरह काबू पाने के लिए संजय ने उनके चेहरे पर एक बेहद तेज घूंसा मारा। उसने इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंखों में घुस गए, दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। संजय ने अपने नाखून से महिला के चेहरे, शरीर और कई अंगों पर गंभीर चोट दिए थे, क्योंकि महिला के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसी कारण ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखा है और ऐसे दरिंदों को सिर्फ 15 दिनों के अंदर फांसी पर लटकाने की मांग की है, ताकि इनके हौसले को तोड़ा जा सके और देश में दोबारा ऐसी जघन्य अपराध देखने को ना मिले। लेकिन दुर्भाग्य से उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था जो इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर सके या उनकी मदद के लिए कोई मौके पर पहुंच सके और सीबीआई को सबूत जुटाने में मदद कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ साफ हो रहा है। ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पकड़े गए सिविक पुलिस वॉलंटियर संजय राय के साइको टेस्ट के नतीजे बेहद डरावने हैं। सीबीआई ने उसकी मनोस्थिति की जांच कराई जिससे पता चला कि संजय राय अंदर से बहुत ही खतरनाक और यौन विकृत इंसान है, जबकि देखने में वह साधारण लगता है। इस केस में ममता बनर्जी और उनकी टीम की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि वारदात के ठीक बाद वहां रिकंस्ट्रक्शन काम क्यों करवाए गए इससे काफी संदेह पैदा होते हैं। महिला पर काबू पाने के लिए संजय ने उनके साथ जमकर मारपीट की, वह पहले भी कई महिलाओं से खूनी मारपीट कर चुका था। आखिर ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे दरिंदों के दिलों में भय पैदा करने के लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही। महिला को बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद उसने बलात्कार किया, और यह बलात्कार कोई मामूली रेप केस नहीं था बल्कि एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। इसका मतलब है कि बलात्कार करते समय संजय आदमी नहीं बल्कि जानवर बन गया था।
इससे यह साफ हो जाता है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस सतर्क नहीं थी और अपराधी खुलेआम तांडव मचाने के लिए शहर में घूम रहे थे। सीबीआई के लिए सेमिनार हॉल सबसे बड़ा रहस्यमय स्थल बन गया है। सीबीआई अलग अलग टीमें इस सेमिनार हॉल से सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 से अधिक बार यहां का दौरा कर चुकी हैं। सेमिनार हॉल में घटना घटने के बावजूद वहां पर मरम्मत का कार्य करवाया गया, जिसमें कई अहम सबूत मिट जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई टीम की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर अटक रही है। सीबीआई के पास अपराध स्थल पर उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन अब भी वे डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जान लीजिए कि बलात्कार करने का ठीक पहले संजय ने कैसे तैयारी की थी। आरोपी संजय रॉय पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, उसके अपराध के कबूलनामे और फॉरेंसिक सबूतों से पता चला है कि अपराध से एक दिन पहले वह 31 साल की पीड़िता लेडी जॉक्टर के आसपास मौजूद था। कोलकाता पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने अपराध से एक दिन पहले 8 अगस्त को पीड़िता को चेस्ट मेडिसिन वार्ड में देखा था, यानी वह एक दिन पहले से ही किसी शिकारी की तरह महिला का पीछा कर रहा था। वार्ड के सीसीटीवी फुटेज से यह भी पुष्टि होती है कि रॉय की अस्पताल में आसानी से पहुंच थी। वारदात के एक दिन पहले संजय रॉय 8 अगस्त को जिस सुबह करीब 11 बजे वार्ड में था, उसी समय महिला और उनके साथ 4 अन्य जूनियर डॉक्टर वार्ड में मौजूद थे। सूत्रों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में रॉय को डॉक्टर की ओर घूरते हुए देखा जा सकता है। लेकिन अब जान लीजिए कि वारदात के ठीक पहले वह कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी क्यों गया था। संजय रॉय अपने एक दूसरे साथी के साथ 8 अगस्त की आधी रात के बाद सोनागाछी गया था। ये उत्तरी कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। पता चला कि इस रात को आरोपी रॉय ने शराब भी पी रखी थी। सोनागाछी पहुंचने पर रॉय का साथी वेश्या के घर में घुसा, जबकि संजय बाहर खड़ा रहा। सोनागाछी के बाद ये दोनों रात करीब 2 बजे दक्षिण कोलकाता के एक और रेड लाइट एरिया चेतला में गए और यहां भी वही घटनाक्रम हुआ। आरोपी संजय ने नशे की हालत में वहां से गुजर रही एक महिला को भी छेड़ा। उसने एक महिला को फोन करके उसकी न्यूड पिक्चर भी मांगी। संजय रॉय का साथी किराए की कमर्शियल बाइक लेकर घर चला गया, लेकिन संजय अपराध को अंजाम देने अस्पताल पहुंच गया। संजय को सुबह करीब 3:30 बजे आरजी कर अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट के आसपास घूमते हुए देखा गया। संजय नशे की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। वह सुबह करीब 4:03 पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और फिर सीधे तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में चला गया। पुलिस पूछताछ के दौरान संजय ने कबूल किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर को तब देखा जब वह गहरी नींद में थी। सूत्रों के मुताबिक उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह उस पर कूद पड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। क्राइम वाली रात वारदात के ठीक पहले करीब 11 बजे संजय रॉय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे एक जगह गया था और वहां शराब पीते हुए वह अश्लील फिल्म देखी। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि रॉय उस रात कई बार अस्पताल परिसर में घुसा था। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजी कर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला, तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था।